रशीद भाई माशाल्लाह आप वैसे भी इस तरह साफ हुआ करेंगे ना बाकी दिनों में भी। ये भाई इंडिया से हैं, ये भी इंडिया से हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तानी, ये बांग्लादेश से बंगाली, अच्छा ये बंगाली है, ठीक है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज जुमे का दिन है, हम जुमे की नमाज भी जा रहे हैं। रशीद भाई माशाल्लाह आप वैसे भी इस तरह साफ हुआ करेंगे ना बाकी दिनों में भी। हाँ क्या किले याक्षमिसीज तो ये हमारा उज़्बेक दोस्त है, उज़्बेक तो नहीं कह सकते, पाकिस्तानी है हमारे साथ, लेकिन माशाल्लाह इसने 2-3 सालों में सारी उज़्बेक लैंग्वेज सीखी है। बहुत ज़्यादा जगह में तकरीबन ये 4-5 किलोमीटर के बाद कोई एक मस्जिद है। हाँ ये नहीं कि गली गली में, मतलब मस्जिद जिस तरह पाकिस्तान में हो ना। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ के यहाँ के लोकल भी यही चाहते हैं कि मस्जिद ज़्यादा हो। अच्छा, मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ टैक्सी में बैठ के आ रहा था तो वो मुझे कह रहे कि यहाँ ये मस्जिद है तो दूसरा मस्जिद जो है वो इतना दूर है। उसने ऐसे ऐसी बात में खुद भी हैरान हो गया, हालांकि मैंने पहले बार ऐसे लोकल को देखा था कि जो खुद ये बता रहा है कि यहाँ पर मस्जिद ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, लोग चाहते हैं कि ज्यादा हो मस्जिद, ज्यादा हो, अच्छा, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं देती, जाहिर बात है, तो क्योंकि गवर्नमेंट क्यों नहीं इजाजत देती, उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, हर जगह के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, अब इन लोगों के मुल्क के अपने रूल्स रेगुलेशन हैं, हमारे मुल्क के अपने हैं। यहाँ पर कोई छोटी सी दुकान भी बनाता हो तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ करनी पड़ती है। अब ये मस्जिद हमें हॉस्टल से काफ़ी दूर पड़ती है, तकरीबन 20 मिनट तो हमारे लग जाते हैं ना, तो इस तरह हमें 20 मिनट जुमे के दिन तो हम आते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मल 5 टाइम की नमाज के लिए मस्जिद नहीं आ सकते, क्योंकि 20-25 मिनट हमें आने में लगते हैं, 20-25 मिनट जाने में वापस लगते हैं, तो सारे बच्चे जो हैं वो हॉस्टल में ही नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि मस्जिदें यहाँ पे कम हैं। और लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि लोग जमा होते हैं, जो आसपास के 5-6 किलोमीटर के एरिया के लोग हैं वो सब एक ही मस्जिद में आते हैं, तो इससे कि फ़ायदा ये है कि उनकी ना आपस में जान पहचान पैदा हो जाती है। जुम्मा मुबारक भाई। ये भाई इंडिया से हैं, ये भी इंडिया से हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी पाकिस्तानी, ये बांग्लादेश से बंगाली, अच्छा ये बंगाली है, ठीक है। सत्र 3-4 लग गए।